हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नंबर और नंबर से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे। और ये जो सिलेबस है ये सिलेबस हमारे क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 ये सभी क्लास का सिलेबस है क्योंकि सब में नंबर सिस्टम पढ़ना है और ये फंडामेंटल है, इसका कॉन्सेप्ट सबको होना चाहिए, चाहे वो 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 9th क्लास में हो। तो आइए हम इस फंडामेंटल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने 6th क्लास NCERT बुक्स को रेफर किया है और उसी के आधार पर मैंने सिलेबस तैयार किया है। तो एक एक करके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। फर्स्ट है नंबर। क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है। आपने देखा होगा कि संख्या हम कहीं भी देखते हैं हमारे लाइफ में, हर जगह हमें नंबर दिखाई देता है, बिना नंबर का कोई काम ही नहीं हो सकता। तो अगर नंबर को हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो वो क्या है। नंबर इज ए वर्ड और सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अमाउंट ऑफ पीपल थिंग्स और यूनिट्स। हमें किसी भी चीज़ की गिनती करनी है, अमाउंट बतानी है, चाहे किसी का यूनिट से रिलेटेड हो, वजन हो, मेजरमेंट हो, सबके लिए क्या है, हमें नंबर की जरूरत होती है। और जैसे कि एग्जांपल के देख सकते हैं, मैंने लिखा है 1, 5, 2.5, x, इसको हम रोमन में 10 बोलते हैं, 4 लिखा रहता है, ये 111 है, या कहीं कहीं आपको 2 by 3, 4 by 5, 2, 1, 10 to the power 3, ये सब क्या है, सब जगह नंबर है, ये ऑल आर द टाइप्स ऑफ नंबर। तो ये नंबर का डिफिनेशन ये हुआ कि नंबर क्या है, एक सिंबल है जो हम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ के काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम नंबर के द्वारा सूचित कर सकते हैं। अब देखिए, नंबर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। वी यूज नंबर्स टू काउंट, हम काउंट में यूज करते हैं, मेजर में यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं, ऑर्डर्स बताने के लिए भी यूज करते हैं, बड़ा है, कौन किसके बाद कौन सा नंबर आएगा, क्या आएगा, इसके लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए और नंबर को मैंने परिभाषित भी किया। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का मतलब कि जब हम नंबर को सूचित करते हैं, नंबर को दर्शाने के लिए हम किस पद्धति को यूज करते हैं, वो क्या है। तो हम दो तरह की पद्धति यूज करते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो भारत में जो हम नंबर सिस्टम का न्यूमरेशन जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है, वो हमारा हो सकता है वो जीरो से लेके क्या है, ये डिजिट 0 to 9 तक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 up to 9। और दूसरा क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें भी क्या है, डिजिट 0 to 9 है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। और जो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है जो हम यूज करते हैं, जैसे 10, 100, 200, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,000, 1,00,000, 10,000, 1,00,000, 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
की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आता है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, बांग्लादेश में होता है, इंडिया में होता है, नेपाल में होता है, मालदीव में, पाकिस्तान में होता है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वो कहाँ कहाँ यूज होता है, इंटरनेशनल ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है। तो जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, नंबर को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पद्धति में हम यूज करते हैं, वो दो तरह के जनरली होते हैं। एक होता है, फर्स्ट हो गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सेकेंड हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या आपने पढ़ा होगा, वन है, ये टेन है, ये हंड्रेड है, इसको हम थाउजेंड बोलते हैं, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़, अरब, टेन अरब, खरब, टेन खरब, नील, टेन नील, पदम, टेन पदम एंड संघ। ये क्या है, ये जो है इसे नंबर बढ़ रहा है, इसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा रहा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो हम भारत में जैसे नंबर को जैसे हम सूचित करते हैं।
अब देखिए, अब ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी देखिए आपको 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं, एक 100,000 बोलते हैं ये। उसके बाद हम यहाँ पे 10 लाख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। मतलब कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो कहीं क्या देखिए, कितना मिलियन, और 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। देखिए 10 मिलियन जो है हमारे 1 करोड़ के बराबर है, 100 मिलियन जो है वो 10 करोड़ के बराबर है, और बिलियन जो है हमारे 1 अरब के बराबर है। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो नंबर पद्धति है जिसको हम यूज करते हैं वैसे है। उसमें देखते आपने सुना होगा मिलियन और बिलियन, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप, हमने कॉमा का यूज किया है। देखिए कॉमा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं नंबर को चिन्हित करने। देखिए इसको 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे हम जो नंबर यूज करते हैं जो कॉमा सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं कि पहला जो कॉमा होता है वो 3 डिजिट के बाद लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लिखते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें 3-3 डिजिट के बाद कॉमा का यूज करते हैं। जैसे देखिए यह 3 डिजिट है, उसके बाद कॉमा है, फिर 3-3 डिजिट के बाद कॉमा है। और इंडियन नंबरेशन सिस्टम में क्या करते हैं, पहला जो कॉमा होता है 3 डिजिट के बाद होता है, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम नंबर को इंडिकेट करते हैं अलग अलग नंबरेशन सिस्टम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वही है हमारा, यहाँ हम लाख की बात करते हैं, ये मिलियन बिलियन करोड़ अरब की बात हम करते हैं, मिलियन बिलियन की बात करते हैं, ट्रिलियन की बात करते हैं। तो देखिए 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख, और 10 के बाद कितना जीरो आएगा, 5 जीरो। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6, कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 to the power 6 क्या हो गया, 1 मिलियन के बराबर है। उसी तरह से 1 बिलियन कितना है, 100 मिलियन के बराबर है। 100 मिलियन कितना है, 1 अरब है। इसको 1 अरब जो है कितना, 1 करोड़ के बराबर है, और 1 करोड़ है क्या है, 10,000 लाख के बराबर है। तो अगर हम बोलते हैं, जैसे कभी आपको लिखा मिलता है कि इंडियन पॉपुलेशन 1.33 बिलियन, तो बिलियन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं करोड़ में, तो ये कितना हो गया, 133 करोड़ हो जाएगा। तो ये हमारा है इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन में क्या रिलेशन है, और कैसे हम एक दूसरे को, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है, और 1 बिलियन जो होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है, चाहे 100 करोड़ के बराबर होता है, 1000 मिलियन के बराबर होता है, या 100 करोड़ के बराबर होता है, या 10,000 लाख के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब नंबर कंपेयरिंग का हम बात करें, अब नंबर कंपेयरिंग की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि आपके पास नंबर है कोई 123 नंबर है, दूसरा नंबर है 4, 2, 3। तो इस नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, आप कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखिए, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो 1 प्लेस हो गया, 10 प्लेस हो गया, 100 प्लेस हो गया, ये वैसे ही सेम है, 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। इसको कंपेयर करें, देखिए पहले ये नंबर क्या है, ये नंबर इसके बराबर है, ये भी नंबर इसके बराबर है, लेकिन जो 100 प्लेस पे यहाँ पे 4 है 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो गया, ये नंबर यानी कि 4, 2, 3 इससे 1, 2, 3 से बड़ा है। उसी तरह से मान लीजिए कि हम लिखते हैं 4, 5, 7, 2, ऐसा लिखते हैं 4, 5, 6, 2, इसमें से कौन बड़ा है, देखिए ये यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, और ये भी बराबर है, तो यहाँ पे क्या, ये 7 है इससे बड़ा है, तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। तो नंबर कंपेयर कर सकते हैं कौन किससे बड़ा है, हम जनरली इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं हाइट बताने में, कि मेरा हाइट उनसे एक
फीट ज़्यादा है या इतना इंच ज़्यादा है, तो कंपेयर नंबर जो है हर जगह हमारे यूज होता है। अब इसको ऑर्डर ऑफ नंबर्स क्या है, क्रम जिसको बोलते हैं, संख्या का क्रम अगर बात करें तो वो क्या हो सकता है, दो तरह से क्रम हो सकता है। एक हो सकता है बढ़ते हुए क्रम में, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अगर नंबर को हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते जाएं, सजा दें, उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 23, 15, 18, 24, 30, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो पहले क्या आएगा, पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा क्या 15 आएगा, उसके बाद क्या बाद आएगा 18 आएगा, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 30। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है ये। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसको अवरोही क्रम बोलते हैं, मतलब घटते हुए क्रम में। इसमें क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मतलब जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। मान लीजिए कि आपके पास जैसे है 35 हो गया, 36 हो गया, 24 हो गया, 18 हो गया, 10 हो गया, 45 हो गया। अब इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 45 है, तो क्या आ जाएगा 45। उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा हो गया आपका 36, तो 36 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 35, उसके बाद 24, उसके बाद 18, उसके बाद 10। तो ये जो है घटते हुए क्रम में है, ये नंबर सबसे छोटा है और ये नंबर सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसको हम बोलेंगे, या ऐसे ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको हिंदी में अवरोही क्रम बोलते हैं। उसके बाद हम राइटिंग नंबर्स नेम, इसको शब्दों में हम नंबर को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये नंबर है 257, तो इसको हम अगर, इसका हम यूनिट टेंस और हंड्रेड प्लेस पहले डिफाइन करेंगे। साथ क्या है, यूनिट प्लेस पे है, यानी वन प्लेस पे है, ये टेंथ प्लेस पे है, दसवां जगह पे है, हंड्रेड प्लेस पे है। तो इसको आप बोल सकते हैं ना, इसको हिंदी बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो क्या है, टू जो है हंड्रेड प्लेस में, 200 हो गया। उसके बाद टेंथ पे क्या है, 57 हो गया, 5 हो गया, ये 7 है, तो क्या हो गया 257। इसको लिख सकते हैं 257, ये हो गया। इसको वर्ड्स में कैसे नंबर को लिखना है, उसी तरह से मान लीजिए 2902 नंबर है, 2902। अब इसको देखिए, इसको भी अब तोड़ दीजिए आप, ये वन प्लेस पे क्या है 2 है, टेंथ पे 0 है, 100 पे 9 है और 1000 पे 2 है। तो क्या बोलेंगे 2902, तो इसको लिख सकते हैं 2902। अब मान लीजिए क्या, आपको कोई और नंबर लिखना है, जैसे मैं देता हूँ 3, 4, 6, 2, 1। अब देखिए इसको, ये आपको वन प्लेस पे क्या है, टेंथ पे क्या है, हंड्रेड पे क्या है, थाउजेंड पे क्या है और 10,000 पे क्या है। तो ये 1, 2, 6, 4, 3 है, तो पहले क्या आएगा, ये कितने पर, 10,000 पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या हो गया, ये हो गया 34,000। तो हो जाएगा 34,000, ये क्या 100 प्लस है, तो 621। उसी तरह से मान लीजिए मैं आपको नंबर देता हूँ 4, 6, 5, 3। अब इसको लिखना है, तो ये यूनिट प्लस, टेंथ प्लस, हंड्रेड प्लस एंड थाउजेंड प्लस। थाउजेंड प्लस हो गया, हंड्रेड प्लस हो गया, टेंथ प्लस हो गया, वन प्लस हो गया। तो क्या हो गया, इसको पहले क्या हो गया, ये 4,000
1653। तो ये हम वर्ड्स में कैसे नंबर को लिखते हैं आपको आइडिया आ गया। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। अब एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स, नंबर का विस्तार हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 257 है, इसका एक्सपेंशन करना है, तो आप इसको पहले डिफाइन कर दीजिए कि इसके वन प्लेस पे क्या है, थर्ड टेंथ पे क्या है और हंड्रेड पे क्या है। उसके बाद जब एक बार आप ये कर दिए तो आपको देखिए अब लिखना है टू टू ये है तो इसको लिख सकते हैं आप टू इंटू हंड्रेड। फाइव को टेंथ पे है तो इसको लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन, और आपका ये जो है ये सेवन इंटू वन। देखिए ये हंड्रेड प्लेस पे था तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो गया टू हंड्रेड, ये कितना हो गया फिफ्टी, और ये कितना होगा सेवन, सबको ऐड कर दीजिए 257 आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है, जो जिस प्लेस पे होगा उसको वन पे होगा तो वन से मल्टीप्लाई, टेन पे होगा तो टेन से मल्टीप्लाई, हंड्रेड पे होगा तो हंड्रेड मल्टी। मान लीजिए कोई और दूसरे नंबर की बात करें, मान लीजिए 2902 है, इसकी एक्सपेंशन की बात करें तो ये आपका डिफाइन हो गया कि वन प्लेस, टेन प्लेस, हंड्रेड प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। देखिए अब इसमें 2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 100 के प्लेस पे था, और 0 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा 900, और ये कितना हो जाएगा जीरो। किसी भी जीरो नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो आता है कितना हो जाएगा टू, और सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2902। तो ये है एक्सपेंशन की, किसी नंबर का हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं, और उसी के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं वर्ड्स में। अब इसको देखिए, एक और एक्सपेंशन मैंने दिया है आपको। अब एक्सपेंशन क्या है 65,740। अब इसको लिख सकते हैं, जैसे 6 क्या है 10,000 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, ये 1 प्लेस पे। तो 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 ही हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 65,740। तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर का, जैसे मान लें कि 2345 है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद 3 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2345। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इस नंबर है क्या है, ये है 734,540। इसको वर्ड में कैसे लिखा है 7। अब इसका एक्सपेंशन करना है, अब इसका एक्सपेंशन करना है तो क्या हो जाएगा, ये लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम कर देंगे 7 इंटू कितना हो जाएगा 100, उसके बाद ये 34 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, उसके बाद 5 को 100 से, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और 3 को 1 से। जैसे इसमें देखिए अब इसका है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख 3,275,829 यहाँ वर्ड में लिखा है, और इसका एक्सपेंशन क्या है देखिए, 3 में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए इसमें बहुत आसान है, जितना हो उसको उतने से 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1, 2, 3, 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 0 से। इसको देखिए 100,000 से कर दिया, 7 को 10,000 से कर दिया, 5 को 1000 से कर दिया, 8 को 100 से कर दिया, 2 को 10 से कर दिया, 9 को 1 कर दिया, सबको ऐड करेंगे तो आपको ये
आ जाएगा। ये देखिए नंबर 10 लाख की जगह पे अल्टीन, अगर 10 लाख की जगह देखिए 10 लाख की मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2 क्या है 2 आपको 1 लाख की जगह पे तो 1 लाख की मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 10,000 पे तो 10,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 क्या है 1000 पे तो 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे करके हम इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और है, देखिए ये 10 करोड़ पे है 6 और ये 5 करोड़ पे है, ये 3 10 लाख पे है, पोजीशन जो है इसका लाख पे है, ये 10,000 पे है, 1000 पे, 100 पे है, ये 10 पे है, ये क्या है 1 पे है। तो 65 करोड़ 32,75,829 इस नंबर का नाम हो गया, नेम हो गया। अब इसका एक्सपेंशन आपको करना है, तो एक्सपेंशन करना है तो इसमें क्या है 6 में 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब 1 के साथ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 5 6 7 8 4। उसी तरह से 5 में 3 और 3 7 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये करके आ जाएगा आपको, तो क्वाइट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये रहा कैसे हम एक्सपेंशन करते हैं और कैसे उसका नेमिंग करते हैं। अब तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नंबर क्या है, नंबर एक सिंबल है जिसका यूज हमारे लाइफ डे टू डे लाइफ में है, इसको हम काउंटिंग के लिए मेजर के लिए हर जगह यूज करते हैं, वो डिजिट भी हो सकता है सिंबल भी हो सकता है और वो एक वर्ड में भी उसका नाम हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो नंबर का कंपेयर हम कैसे करते हैं, फिर न्यूमेरल सिस्टम क्या है, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के बारे में हमने बात किया जिसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख के टर्म करते हैं। उसके बाद एक इंटरनेशनल हम नंबर सिस्टम के बारे में बात किए, उसमें हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन में आ जाते हैं कैसे लिखते हैं, और कॉमा का यूज जो करते हैं उसमें 3-3 डिजिट के बाद करते हैं इंटरनेशनल में, और इसमें हम करते हैं कॉमा पहला 3 डिजिट के बाद करेंगे और उसके बाद फिर 2-2 डिजिट के बाद करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि असेंडिंग ऑर्डर नंबर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर क्या है, बढ़ते हुए क्रम में अगर नंबर को रखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, आरोही क्रम बोलते हैं, और घटते हुए क्रम में रखा जाए तो इसको अवरोही क्रम बोलते हैं, इसको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्टडी किया कि नंबर का हम नाम कैसे लिखेंगे, उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो ये सब कंसेप्ट हम इस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो इसको एक बार फिर से देखिए और जो एनसीईआरटी का बुक है उसको प्रैक्टिस कीजिए। Thank you, students.